सरकार अपने 2 साल पूरे कर चुकी है और इन 2 सालों में एक बड़े बदलाव की तस्वीर हमारे सामने आई है और एक विशेष बात रही है नीतियों के निर्माण को लेकर। और इसी पहल के तहत सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की संकल्पना दी और एक बड़े बदलाव की नींव रखी। अब न सिर्फ राज्यों की बराबरी की भूमिका है नीतियों के निर्माण में, देश के विकास में, बल्कि प्रधानमंत्री ने एक टीम इंडिया का नारा भी दिया और कई बड़े बदलावों की शुरुआत हुई। और क्या कुछ हुआ है योजना के निर्माण के क्षेत्र में, नीति आयोग के क्षेत्र में, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो एक बड़ा बदलाव तो यही आया है कि नीति आयोग हमारे अब सामने है। किस तरह का बदलाव देखने को मिला इन 2 सालों में इस पहल के तहत? देखिए, पहले जब भी प्लानिंग कमीशन कोई नीति निर्धारित करती थी तो स्टेट्स का सिर्फ पार्टिसिपेशन होता था एक बार या दो बार साल के अंदर, और जो नीति बनती थी उसके अंदर स्टेट्स की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती थी। किसी के हक में जाए, किसी के विपक्ष में जाए, इसके ऊपर उनका कोई बयान नहीं आ सकता था। लेकिन जब से नीति आयोग बनी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो नारा मोदी सरकार ने दिया है उससे एक्टिवली स्टेट्स को, उनके चीफ मिनिस्टर्स को, उनके पॉलिटिशियंस को, उनके ब्यूरोक्रेट्स को, सबको इन्वॉल्व करके एक नीति बनाई जाती है। और 3 मुख्य मुद्दे हमारे हैं। एक तो स्वच्छ भारत अभियान का है कि सफाई होए। दूसरा हमारा है कि स्किल डेवलपमेंट किस तरह से होए। हमारा देश इतना बड़ा है, स्किल्स की का अभाव है, तो स्किल डेवलपमेंट पे एक चीफ मिनिस्टर का सब ग्रुप बनाया गया। दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको, स्वच्छ भारत का बनाया गया। और एक तीसरा भी सब ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो हमारे देश के निर्माण के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण सरकार की तरफ से मानी जाती हैं, इनके 3 सब ग्रुप्स बनाए गए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, प्रधानमंत्री को पेश कर दी और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो सभी स्टेट्स का बराबरी के तौर के ऊपर आज के दिन नीति आयोग में और उसकी नीतियों बनाने के अंदर हिस्सेदारी है। बिल्कुल, अब एक नई तस्वीर हमारे सामने, और ये कहा गया कि जिस तरह से वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आई और जिस तरह से केंद्रीय करों में राज्यों की भूमिका बढ़ी, उनकी भागीदारी बढ़ी, राज्यों की आय बढ़ी, ये कितना बड़ा फर्क ला रहा है? काफ़ी। इसमें सबसे बड़ा जो डंडा प्लानिंग कमीशन के पास वो होता था कि किसी स्टेट को अगर लाइन में रखना है तो वो कहता तुम्हारे हम पैसे या तुम्हारे पैसे की मंजूरी इस प्लान के तहत हम रोक लेंगे या कम कर देंगे। अब वो हमारे पास डंडा उस तरह का नहीं है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का दौर है। और आज के दिन कुल जो सेंट्रली डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है उसका 40% हिस्सा हम स्टेट को सीधे के तौर के ऊपर दे देते हैं। हमारे नीति आयोग के माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं, वो सीधे स्टेट के खाते के अंदर चढ़ जाती है। और ये अंतर पिछले प्लानिंग कमीशन की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो पहले 30% जाया करता था, लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसने कहा कि नहीं भैया तो कम है, तुम इसको 40% करो। तो हमने इन टोटो उनकी रिकमेंडेशन मान ली और 30 से हमने 40% सेंट्रली डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का हिस्सा स्टेट्स के अंदर डायरेक्टली बांट दिया। कुल मिलाकर के अगर मॉनेटरी टर्म्स के अंदर इसको अगर हम गिने तो 1.78 लाख करोड़ का कुल मिलाकर के सब स्टेट्स को फायदा इससे हुआ है। और जहां पहले नीति आयोग जब नहीं बनी थी, जब हर साल के अंदर 2-3% बढ़ोतरी हर एक स्टेट को मिलती थी पैसे के तौर के ऊपर, अब वो 10% इकट्ठी मिल गई है। और हमने ये भी कह दिया कि जिस तौर के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर तुम प्रमुखता के तौर के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हो उसकी अनुमति तुम्हारे को है, हम तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं देंगे, तुम अपने फैसले खुद करो, जिसकी जरूरत पहले होती है उसमें पहले फैसले खर्च। बिल्कुल, और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और प्रधानमंत्री ने खुद एक नारा दिया टीम इंडिया का नारा, तो ये नारा कितना काम कर रहा है आपको लगता है? मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि जो ये सब ग्रुप्स बने हैं, सब स्टेट्स के छोटे के बड़े के अलग अलग पंगे होते हैं, तो सारे के सारे सब ग्रुप्स के अंदर सारे के सारे एक दूसरे को अबव पार्टी लाइंस उठ करके सॉल्व करने के लिए वो आपस में चर्चा करते हैं। और जब वो फिर वो नीति बना लेते हैं, वो सारे देश के अंदर अलग अलग विभाग के
अलग अलग विभाग के अलग अलग प्रांतों के अंदर उस नीति को भेजा दिया जाता है, भेज दिया जाता है, और स्टेट्स मैं समझता हूँ उसके ऊपर अमल करती हैं। तो अबव पॉलिटिक्स उठने के लिए ये जो प्रधानमंत्री ने सोच रखी थी ये काफ़ी कामयाब है। लेकिन ये कितना आसान था केंद्र अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों को राज्यों के साथ बांटना, क्योंकि इससे पहले ये देखने को नहीं मिला। ये तो बढ़ोतरी में बड़प्पन है मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार का, नरेंद्र भाई मोदी का, क्योंकि वो खुद भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था, किस तरह से झोली पसार करके नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से पैसे के लिए पैसे मंजूर करवाने पड़ते थे, तो उनको पता था, एक्सपीरियंस था। उस तौर पर सबसे पहला कदम उन्होंने जो किया वो ये था कि प्लानिंग कमीशन के पावर्स पैसे बांटने के थे वो काट दिए, नीति आयोग बना दिया और नीति आयोग के तहत थिंक टैंक के तौर के ऊपर और मॉनिटरिंग के तौर के ऊपर आज के दिन हमारे को अख्तियार है, ये हम अपनी तरफ से सरकार को देने लग रहे हैं और मैं समझता हूँ लाभदायी हर एक विभाग के लिए, चाहे वो सेंटर का हो या हर एक स्टेट के लिए, ये लाभदायी रहेगा। बिल्कुल, एक आपने जिक्र किया जो स्किल इंडिया और इस तरह की कोशिशें चल रही हैं, अटल नवाचार मिशन की भी बात सामने आई, सेतु परियोजना की भी बात है, तो इसमें क्या अब तक निकल कर आ पाया है, क्योंकि एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। देखिए, स्किल डेवलपमेंट के बिना हमारा देश आगे बढ़ नहीं सकता। चाइना हमारे से इसी तौर के ऊपर आगे है क्योंकि उनके पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास अनस्किल्ड लेबर बहुत है, उसको स्किल्ड के अंदर तब्दील करना हमारी योजना है। तो स्किल डेवलपमेंट का एक अलग सब ग्रुप चीफ मिनिस्टर्स का जैसे मैंने बनाया, वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है और दे चुका है, और उसके तहत हम 4 करोड़ बच्चों को स्किल्ड बनाना चाहते हैं ताकि हमारी जो नई नई फैक्ट्री खुल रही हैं उसके अंदर उनको रोज़गार मिले, नौकरी मिले। तो ये हमारी नीति है और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कामयाब हम हो रहे हैं पूरे तौर के ऊपर। सर, एक नई बात सामने आई है कि पंचवर्षीय योजना की जो संकल्पना थी, जो सोच थी, अब उससे आगे बढ़कर 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, फिर 7 साल के एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और 3 साल के शॉर्ट टर्म योजनाओं की बात हो रही है। क्या है ये संकल्पना? ये 15 साल का हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा कि इन्वायरमेंटली हमारे को क्या करना चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन के वास्ते हमको क्या करना चाहिए और सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमको क्या क्या करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। उस विजन डॉक्यूमेंट को पहुंचने के लिए क्या क्या नीतियाँ, क्या क्या पॉलिसी, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन के वास्ते कदम उठाने चाहिए, वो 7 साल के एक और डॉक्यूमेंट के अंदर होंगी या मिड टर्म रिव्यू समझ लीजिए उसके लिए होंगी, वो 7 साल के दायरे के अंदर होगा। और फिर उस 7 साल के दायरे के अंदर ही एक 3 साल का एक्शन प्लान होगा कि इस लाइन के अंदर जो 7 साल वाली है इस लाइन के अंदर और अल्टीमेटली वो 15 साल वाली जो लाइन है उसके अनुसार हम समय समय के ऊपर क्या प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक्शनेबल प्लान 3 साल का होगा। तो ये तीन स्टेप्स करके हम 15 साल का विजन आगे लाना चाहते हैं। सर, तो क्या कह सकते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना थी अभी तक उस तरह का परिणाम नहीं दे पाई जिस तरह की उम्मीद थी? जब ही मैं समझता हूँ कि ये महसूस किया गया ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर्स ने, और जब हमने पहली मीटिंग हुई थी नीति आयोग की तो उसका स्वागत भी किया गया कि जो प्लानिंग कमीशन थी उसके पास थोड़ा फेवरेटिज्म करने का अख्तियार था क्योंकि वो पैसा बांटता था और स्टेट से एक चीज़ चाहता था बदले के अंदर, इस तरह का हो सकता था, मैं नहीं कहा कि हुआ लेकिन संभावनाएं थी। कुछ चीफ मिनिस्टर्स को ये महसूस हुआ कि हमारे साथ दुभांत हुई है। तो उस तौर के ऊपर जब ये हमने नीति आयोग बनाया और एक आज के दिन हम एक नीति बना रहे हैं सब स्टेट्स के सलाह मशवरे के बाद कि किस तरह से आपके प्रांत के साथ दुभांत आइंदा कभी ना हो, इस तरह की हम नीति बना रहे हैं, तो वो सब से सलाह मशवरा करके बनाएंगे। और मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस के वास्ते ये लाजमी भी था, ज़रूरी भी था, और आने वाले समय के अंदर सभी को अपना बराबर का हिस्सा मिलेगा, ना कम ना अधिक। सर, आपका मंत्रालय योजनाओं की निगरानी या फिर मूल्यांकन, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री खुद तमाम उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते हैं, लगातार प्रेजेंटेशन का दौर चलता रहता है, ये कितना मदद कर रहा है? काफ़ी मदद कर रहा है। जहाँ आप कह रहे हो कि ब्यूरोक्रेसी के साथ प्रधानमंत्री का संपर्क रहता है वो तो है ही, लेकिन मंत्रियों के साथ भी रहता है, ये नहीं कि मंत्री आउट ऑफ लूप हो जाते हैं।
और कई बार जब मंत्रियों के अंदर आपस के अंदर या ब्यूरोक्रेट्स के अंदर विभिन्न विभागों के ब्यूरोक्रेट्स के अंदर अगर एक बात के ऊपर एक क्लास राय नहीं बन पाती है तो बातें अटक जाती हैं। जैसे एनवायरनमेंट की वजह से कई मंत्रालयों को परेशानी हो जाती है तो बॉटलनेक्स हो जाते हैं, और वो बॉटलनेक्स सुलझाने का तरीका यही है कि यदि प्रधानमंत्री के पास जाओ, जब आपस के बराबर के मंत्री आपस के अंदर नहीं तय कर पा रहे हैं तो वे एक तीसरे के पास जाओ जो आपसे बड़ा है, तो प्रधानमंत्री के पास जो ये सारी फीडबैक आती है या हम नीति आयोग वाले उनको प्रेजेंट करते हैं तो कई बॉटलनेक्स और कई योजनाएं जो कई सालों से अटकी पड़ी हुई थी उनको उनका समाधान हो गया, इम्प्लीमेंटेशन वो आ गई। एक सर स्मार्ट सिटी की बड़ी चर्चा है और आपका मंत्रालय भी इसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, किस तरह से इस पहल को देख रहा है, क्योंकि इसमें एक बड़े बदलाव की नींव तो रखी जाएगी लेकिन बहुत बड़े निवेश की भी ज़रूरत इसमें दिखती है। जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं, निवेश तो चाहिए ही हर एक सिटीज़ के अंदर, क्योंकि सिटीज़ के अंदर लोग आकर के शहरों के अंदर आकर के गाँव से बस रहे हैं, और जो सुविधा फर्ज करो कि 1,00,000 लोगों के लिए एक शहर के अंदर थी, जब वहाँ पे 4,00,000 हो जाएंगे तो सुविधा चरमरा जाएगी। तो स्मार्ट सिटीज़ बनाने का यही मकसद है कि भाई 100 सिटीज़ तो कम से कम ऐसा बना लो जो कि हर चीज़ उपलब्ध हो वहाँ पर, और उसके अंदर 5 साल के अंदर 500 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी और 500 करोड़ स्टेट सरकार भी देगी, लेकिन उसको उन 100 सिटीज़ को पूरे तौर के ऊपर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का समर्थन मिलेगा योजनाओं बनाने के लिए या जो भी हमारे पास जानकारी है उन तक पहुंचाने के लिए। उन सब 100 सिटीज़ को पहले हम ये सारा अपना तंत्र दे देंगे और उसके बाद जब वो हो जाएंगी तो अगली शायद 100 के ऊपर फिर सोचा जा सकता है। जी बिल्कुल, इसमें सर साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि राज्यों की और खासकर जो लोकल बॉडीज़ हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, उनकी बड़ी भागीदारी है, राज्यों को आगे बढ़कर आना होगा इसमें, तो किस तरह का अनुभव रहा है? मैं समझता हूँ कि जब कोई रेस होती है तो सभी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस करने का प्रयास करते हैं। जब राज्यों में रेस हो रही है कि कौन सी 2 सिटीज़ आए, और सिटीज़ के अंदर उसी राज्य के अंदर रेस हो रही है कि कौन सी 2 सिटीज़ उन 100 स्मार्ट सिटीज़ के अंदर आएँ, तो एक दूसरे के साथ जब मुकाबला होगा तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास हर एक सिटी का कर्मचारी और हर एक सिटी का बाशिंदा करेगा। तो उस तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि सिटीज़ की जो शक्ल है आज की निस्बत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से उभर करके बढ़िया बन करके आएगी। तो इससे लगता है कि जो बड़े शहरों पे जो एक शहरीकरण का दबाव, लगातार पलायन का दबाव है, ये मुद्दा बहुत हद तक हल हो सकता है स्मार्ट सिटी के जरिए? नहीं, ये मुद्दा तो इससे तो हल नहीं होगा कि स्मार्ट सिटीज़ बन जाएंगी तो लोग आने बंद हो जाएंगे, बल्कि अगर स्मार्ट सिटीज़ बन गई तो उन स्मार्ट सिटीज़ में ज़्यादा लोग आने का प्रयास तो करेंगे। बड़े जो 4 मेट्रोपॉलिटन, हाँ इनमें भी थोड़ा सा दबाव, उनमें तो दबाव है ही, बाकायदा रहेगा। और जिस तरह से विश्व का कहीं का भी हिस्ट्री आप देख लो, हमेशा पलायन रहा है गांव की तरफ से और शहर की तरफ पलायन रहा है। तो जो मेजर सिटीज़ हैं, दिल्ली हुआ, बम्बई हुआ, कलकत्ता हुआ, इस तरह के अंदर जो आसपास के जितने भी गांव के बाशिंदे हैं, कस्बे हैं, वो बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, इसी वास्ते दिल्ली आते हैं ना, तो वो मतलब जारी रहेगा। लेकिन वही सुविधा जो आपको स्मार्ट सिटीज़ में या दिल्ली में या कलकत्ता या बम्बई में मिल रही है, वही सिटी उनके करीब करीब की मेरठ के अंदर मिल जाए, जयपुर के अंदर मिल जाए, किसी और छोटी सिटी के अंदर मिल जाए, तो प्लान कम होगा। और हम ये चाहते हैं कि प्लान उतना ही हो जितनी जितना इन सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल सके। तो ये प्रयास भी है कि जहाँ हम स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं वहाँ ये भी हम कोशिश के अंदर हैं कि जो छोटी सिटी हैं या गांव के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी मूल रूप सुविधाएं उपलब्ध करवा दें जो कि सिटी के अंदर उपलब्ध होती हैं। जी, एक बड़ा मुद्दा था, इस पे आपने कुछ दिनों पहले बयान भी दिया था, जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं उनको लेकर किस तरह का बदलाव हुआ है या किस तरह से मंत्रालय उनको देख रहा है, जिस तरह से अलग से फंडिंग होती है उनकी? देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए एक कायदा निर्धारित था कि कौन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ सकता है। तो एक तो बड़ा लाजमी क्राइटेरिया ये था कि वो हमारी बॉर्डर स्टेट्स होनी चाहिए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, यू नो असम के साइड के वही सारे 7-8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनके साथ बॉर्डर लगता है, चाइना का लगता है, बर्मा का लगता है, इधर उधर का लगता है, पाकिस्तान का लगता है। तो एक तो ये, फिर वो हिली स्टेट होनी चाहिए, अनफेवरेबल
टेरेन होना चाहिए, वहाँ पढ़ाई लिखाई का अभाव होना चाहिए, खेती बाड़ी होनी चाहिए, तो वो क्राइटेरिया अगर कोई मीट करते थे तो वो स्पेशली डेजिग्नेटेड स्टेट्स होते थे और उन स्टेट्स को स्पेशली मॉनिटर्ड मॉनिटरिंग होती थी नीति आयोग की तरफ से, पैसा भी कुछ फालतू उन लोगों को मिलता था। वो अब नहीं रहा, वो खेल अब नहीं है, ख़त्म हो गया। उन स्टेट्स को भी जो पहले स्पेशल डिक्लेयर की गई थी उनको भी वो 10% फालतू फीस, फालतू सेंट्रल टैक्सेस में से जो मिल रहा है पैसा, वो उनको जो पहले मिल रहा था उनसे अब्बल आज के दिन भी मिलेगा और वो उनकी मंशा है कि किसके ऊपर पहले खर्च करना चाहें वो कर सकते हैं। हम उनको सिर्फ आज के दिन अगर वो हमसे मांगते हैं कि भाई हमारी ये पॉलिसी फर्स्ट आती है, इस पॉलिसी के अंदर कुछ योगदान दो, हमारा थिंक टैंक नहीं है, आप अपने थिंक टैंक से हमारे को सुझाव दो, तो हम देने को तैयार हैं। बिल्कुल जी, अगर हम देखें जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा ये रहा था कि योजनाएं केंद्र सरकार बनाती है और उसमें कई बार राज्यों की भी भूमिका होती है आर्थिक तौर पर, कई बार राज्य होता है आर्थिक तौर पर उतने मजबूत नहीं होते हैं तो योजनाएं लागू नहीं हो पाती, ये जो पुरानी समस्या रही है इसको कैसे देख रहे हैं और कैसे इसका समाधान निकाल रहे हैं? वो तो प्लानिंग कमीशन के टाइम की आप बात कर रहे हैं कि कई स्टेट्स के पास पैसा नहीं होता बराबर के तौर के ऊपर, या 30% या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी उनको सिर्फ कई बार 10% योजना का हिस्सा देना पड़ता था, तो उसके लिए भी उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो आज के दिन मैं समझता हूँ कि सभी स्टेट्स के पास पैसा पहले की निस्बत ज़्यादा आ गया है और उनको खुद अख्तियार है कि किस पे वो पहले खर्च करना चाहें। जहाँ तक जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं हैं जो हम सेंटर से मॉनिटर करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ, एग्रीकल्चर का, पॉवर्टी एलिवेशन का, इस तरह की जो योजनाएं हैं वो हम सेंट्रली स्पॉन्सर करते हैं, उसको स्पॉन्सर जो पेरेंट विभाग है केंद्र का वही उसको स्पॉन्सर करता है, वो इसको देख रेख करता है। नीति आयोग का तो केवल ये है कि सेंट्रल स्कीम अगर कोई है और नॉर्थ ईस्ट में लागू हो रही है तो ये क्या कायदे से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग हमारे जुम्मे है, तो वो हम मॉनिटरिंग करते हैं, प्रधानमंत्री को अपना ब्यौरा जो भी हमारे को मिलता है वो सौंप देते हैं, तो प्रधानमंत्री उसके ऊपर फिर एक्शन लेते हैं। एक बड़ा मुद्दा ये भी है गरीबी उन्मूलन को लेकर काफ़ी मंत्रालय सक्रिय रहा है, इसको लेकर क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? देखिए, गरीबी देश के अंदर है, इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है। एक दो रिपोर्ट्स आई थी, एक तो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और एक और बाद के अंदर रघु राजन नाम के एक व्यक्ति, मेरे ख्याल से उनका ऐसा था, उन्होंने दी थी। पर आज के दिन जो हमारा बेसिक है, जो सोच है, वो पॉवर्टी एलिवेशन के तौर के ऊपर उनको कुछ पैसा देने की नहीं है, सिर्फ ये भांपने के लिए है कि पॉवर्टी के नीचे आज के दिन कितने हैं और आज के 10 साल बाद या 15 बाद जब हमारा विजन गोल जो है तो 10-15 साल बाद कितने रह गए हैं। किसी को सब्सिडी पॉवर्टी के लाइन के नीचे होने की वजह से नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ हम अपने संज्ञान में इसलिए रखते हैं कि इसलिए हम 10 साल बाद ये पता कर सकें कि इन लोगों कितनों को हम उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा सकें। तो जो भगदड़ मचती है कि हमको भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रखो ताकि हमारे को सुविधा मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो भगदड़ ख़त्म हो जाएगी। हम उसको सिर्फ एक एकेडमिक तौर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना कि कोई धन उनको वितरण करने के वास्ते इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर इसको हम ऐसे देखना चाहें कि अब राज्यों को खुद इतना सशक्त बनाया जा रहा है कि इस तरह के मुद्दों पे अलग से फंडिंग ना हो, राज्य तो सक्षम है, वो जितनी भी हमारी तरफ से पैसे मिलते हैं, जैसे बताया 1.78 लाख करोड़ रुपया आज के दिन कुल मिलाकर के सब राज्यों को मिल चुका है और वो पहले की निस्बत 10% अव्वल है, तो वो कर सकते हैं उसके अंदर राज्य। तो एक मुद्दा ये भी था कि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, वहाँ रेल कनेक्टिविटी को लेकर आपने एक बात कही थी कि 2020 तक सारे जो उनकी राजधानियाँ हैं वो रेल से कनेक्ट हो जाएंगे, एक बड़ा लक्ष्य है, कैसे इसको देख रहे हैं? ये लक्ष्य करने का है। रेलवेज की जैसे कि आप जानते हैं और सभी समझते भी हैं कि माली हालत रेलवेज की पिछले सालों के अंदर इतनी बढ़िया नहीं बन पाई या ना रह पाई, बन पाई तो नहीं, रह नहीं पाई, वो अपीजमेंट के तौर के ऊपर जिधर का मंत्री होते थे, जिधर की
सरकार होती थी तो उधर की तरफ को ही पैसेंजर्स को सुविधा मिलती जाती थी और उसकी इम्प्रूवमेंट का कुछ होता नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस के तहत जो हमारी सरकार ने ये फैसला लिया, सुरेश प्रभु ने जो ये फैसला लिया कि हम पहले दो साल के अंदर कोई नई रेलवे लाइन नहीं बिछाएंगे, कोई नई पब्लिक अपीजमेंट के वास्ते कोई ट्रेन नहीं चलाएंगे, कोई ट्रेन की अगर हमने पहले सर्वे भी कर रखी है उसके ऊपर भी हम अभी तक पैसा खर्च नहीं करेंगे, हालांकि वो ज़रूरी है। जब तक कि हमारी खुद की माली हालत ना सुधर जाए, ट्रेन के टाइम पे ना चलने लग जाएं, उनके बाथरूम साफ हों, उनके अंदर पानी हो, रेलवे प्लेटफॉर्म साफ हों, तो ये दो साल तक मैं समझता हूँ इन्होंने अपनी रेल मंत्रालय की माली हालत को सुधारने के अंदर लगा दी है। जो लक्ष्य हमारे हैं नॉर्थ ईस्ट के, और वो प्राइमरी लक्ष्य हैं, ये किसी के बाद में नहीं आएंगे, सबसे पहले वही आएंगे। तो जैसे ही माली हालत इनकी सुधरती है तो नॉर्थ ईस्ट के सभी कैपिटल्स को जहाँ तक संभव हुआ हमारे इस 5 साल की योजना के दौरान हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अभी 3 साल बकाए हैं तो इन 3 साल के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक अपने फैसले के ऊपर हम अमल कर पाएंगे। सर, कुल मिला के देखिए पूरे सरकार के स्तर पे बहुत सारी उम्मीदें थी, 2 साल में कई सारी बड़ी योजनाएं भी शुरू हुई, 2 साल पूरे हो गए हैं और अब 3 साल बाकी हैं सामने, तो कैसे देखते हैं इन आकांक्षाओं, इन सपनों को, इन योजनाओं को जो लक्ष्य तक पहुंचना है, कैसे आप देख सकते हैं? देखिए, लोगों की इसमें कोई शक की बात नहीं कि लोगों की उम्मीद इस सरकार से बहुत अब्बल थी। पिछली सरकार के अंदर तो अब्बल तो क्या डिस्पोंडेंसी सेट इन हो गई थी कि कुछ करते ही नहीं है, बोलते हैं और फिर कुछ करते ही नहीं हैं। और हमारे जब प्रधानमंत्री इलेक्शन टूर पे जाते थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी और वो अभी भी मेरे को याद है और वो आज भी लागू है जो आज से 2 साल पहले लागू थी। उन्होंने ये कहा था कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड पहले साल में या 100 दिन में नहीं देंगे, 2 साल में भी नहीं देंगे, 3 साल में भी नहीं देंगे, हम अपना रिपोर्ट कार्ड 5 साल के बाद देंगे। अब जब खाली खजाना था, जब इन्होंने मंत्रालय संभाला, प्रधान मंत्रालय संभाला, तो उस खजाने को तो पहले भरेंगे और उसके बारे में जो हमने योजना बनाई है उनको सुदृढ़ बनाएंगे, उनको पत्थर की लकीर के अंदर तय कर देंगे कि भाई यहाँ ये योजना पहले नंबर पे आएगी, ये चौथे पे आएगी, ये 10वें पे आएगी, जितना हमारे पास पैसा है उसके अनुसार इस योजना के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा। तो 2 साल हमारे गुजर गए, हमने योजना बना ली, उनको पत्थर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया है। अब ये जब हमारी मालियात सुधरती जाएगी तो अब इम्प्लीमेंटेशन का दौर आया है, तो अगले जो 2 साल हैं इसके अंदर मेरा ये मानना है कि ये इम्प्लीमेंटेशन के लगेंगे और 5वां साल जो होगा वो हम पब्लिक को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का देंगे। तो मैं ये मानता हूँ अपनी तरफ से कि जो कांग्रेस सरकार या यूपीए सरकार बोलते हैं उस टाइम के ऊपर अपने 10वें साल के अंदर नहीं दे पाई है, उससे अव्वल हम इन 5 साल के दौरान दे पाएंगे। बिल्कुल सर, अब नीति आयोग गवर्निंग बॉडी, उसकी बैठक का काफ़ी समय से इंतज़ार है, कैसे उसके बारे में सोच सकते हैं, कब इस पे बात आगे बढ़ेगी? बैठक तो होती रहती है, प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, हमारी जैसे मैंने बताया 3 तो चीफ मिनिस्टर्स की सब कमेटी है, 2 टास्क फोर्स भी हैं जो कि हमारे वाइस चेयरमैन इसको चेयर करते हैं। एक टास्क फोर्स है पॉवर्टी एलिवेशन का और दूसरा टास्क फोर्स है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, उस दोनों की टास्क फोर्स हमारे वाइस चेयरमैन साहब जो हैं पानेग्रिया साहब वो चेयर करते हैं, तो इनकी मीटिंग होती रहती है। इसके अलावा समय समय के ऊपर जो सब ग्रुप्स हमारे चीफ मिनिस्टर्स के होते हैं, एक सब ग्रुप में कोई 7-8 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी भी मीटिंग अलग अलग टाइम पे होती रहती हैं और उनका निचोड़ फिर आता है नीति आयोग के पास और प्रधानमंत्री के पास और वो नीति बन जाती है या वो योजना बन जाती है। सर, आखिरी में मैं जानना चाहूँगा कि डिसइन्वेस्टमेंट और उसको लेके भी कई पॉलिसी पेपर्स तैयार हो रहे थे, क्या इस पर प्रगति है? डिसइन्वेस्टमेंट तो मैं समझता हूँ ज़रूरी है, आज के दिन प्राइवेट एंटरप्राइज अपना पैसा खर्च करने से कतराता है और अनेक विभाग हैं, मैं डिफेंस का हवाला दे सकता हूँ, जहाँ पर हमने ये निवेश प्राइवेट तौर पे से नहीं आ रहा तो उसको ब्रिज करने के लिए प्रयास किए हैं और नई योजना या जो डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर हुए एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हमारे पास हैं पर डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ थोड़ी सी हमारे पास कम हैं,
तो और विभाग ने भी लिया होगा, डिफेंस का तो मुझे मालूम है कि ये जो हमारी मेक इन इंडिया का जो नारा है उसमें एक बड़ा इंजन गाड़ी को, इंडिया की गाड़ी को आगे खींचने वाला डिफेंस का है। तो उसके अंदर क्या किया है इन्होंने कि जो डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्चने पे कतराते थे लोग कि भी क्या मालूम बाद के अंदर फोर्सेस उस पर उसको हमारी हमारे माल को खरीदेंगी कि नहीं खरीदेंगी, तो हमने कहा है कि जो 10,000 करोड़ से अधिक जिसके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर लगते हैं किसी एयरक्राफ्ट नए बनाने का या शिप नए बनाने का या सबमरीन नया बनाने का, उसका डिज़ाइन डेवलपमेंट का 90% खर्चा भारत सरकार देगी उस डेवलपर को, जिसको हम एक सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से तय करेंगे। और जब वो सक्सेसफुली डेवलप हो जाएगा या डिज़ाइन हो जाएगा, उसके बाद हम 2 साल के अंदर अंदर उसको रिक्वेस्ट और प्रपोजल्स दे देंगे कि भाई तुम बताओ कि तुम किस टाइम तक ये प्रोडक्ट हमारे को या हमारी सर्विसेज को फौज को दे सकते हो। और अगर 2 साल के अंदर हम वो नहीं रिक्वेस्ट और प्रपोजल्स डाले तो जो 10% उसका शेयर था वो 10% भी हम उसको वापस लौटा देंगे। तो उसको हींग लगेगा ना फटकड़ी, और हमारा डिज़ाइन डेवलपमेंट का टीम लग जाएगा, हमारा डिज़ाइन डेवलपमेंट का बन जाएगा। इसी तरह से मध्य दरमियाना मतलब किस्म के जो इंटरप्रेन्योर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं 3,000 से लेकर के 10,000 करोड़ तक का जिनका खर्चा हो सकता है वो दरमियाना कहलाए जाएंगे, उनके लिए भी हमने नीति बनाई है डिफेंस के अंदर। इसी तरह से जो छोटे वाले वर्ग के हैं, कई भी जो नए नए लड़के होते हैं 3,000 से कम का खर्चा जिनका होता है, तो उनको भी उनका दिमाग है लेकिन पैसा नहीं है, तो अगर वो अपने पैसे से कोई नई चीज़ बना करके हमको पेश करते हैं, सरकार को पेश करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और हम उसको कहते हैं हाँ भाई वाह तूने बहुत अच्छा काम किया है, ये तो काबिल तारीफ है, तो उसका जितना भी पैसा खर्च हुआ है 3,000 करोड़ से, 2,000 करोड़ से, 500 करोड़, 100 करोड़, जितना भी खर्च हुआ है उस छोटे वाले एंटरप्रेन्योर का, वो हम अगर चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो उसका खर्चा सारा का सारा उसको हम दे देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष संवाद में बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।